हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर मैं आप नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको होंडा एसपी 125 का एक डिटेल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ कि इस गाड़ी में आपको माइलेज क्या मिलता है, ऑन रोड प्राइस क्या है, क्या 2024 में ये गाड़ी आपके लिए एक बेस्ट बाइक हो सकता है। तो चलिए सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू क्लाउड 9 होंडा मध्यम ग्राम, जिन्होंने हमको गाड़ी दिया ताकि मैं इस गाड़ी का रिव्यू आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। अगर आपको होंडा का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो शोरूम का एड्रेस और फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रही सामने गाड़ी। इस गाड़ी में फिलहाल बैटरी का कनेक्शन नहीं है, जिसके वजह से मैं आपको लाइट ऑन करके नहीं दिखा सकता। पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो की आपको मिलता है, जहाँ पे आपको होंडा के ब्रांडिंग आपको मिलता है। और इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है, अगर आप डिस्क ब्रेक लेते हो तो 1,06,000, अगर आप ड्रम लेते हो तो 1,02,000। इस गाड़ी में दोस्तों आपको 5 कलर मिलता है। यहाँ पर आपको एक कलर, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये टोटल कलर आपको 5 कलर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी आपको सेटर मिल जाता है, एलईडी में हेडलाइट मिल जाता है। यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग, ब्लैक कलर में आपको वाइजर मिल जाता है। यहाँ पे आपको बल्ब में इंडिकेटर मिल जाता है, और साइड में आप देख सकते हैं सिल्वर और रेड कलर में आपको स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पे आपको नंबर माउंट मिलता है। फ्रंट पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, दोनों ही तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, और ग्लॉस ब्लैक में आपको यहाँ पे मडगार्ड मिल जाता है। डिस्क आपको 240mm का मिल जाता है सिंगल कैलिपर के साथ। फ्रंट और रियर में आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। फ्रंट टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 80/118 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। टायर आप देख सकते हैं थोड़ा ऑफ रोड टाइप का है, जिसकी वजह से आपको ग्रिप अच्छा मिलेगा। पीछे का मैं आपको टायर दिखा दूँ एक बार। पीछे यहाँ पर आपको 100/118 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। तो दोस्तों, पहले के गाड़ी में थोड़ा पतला टायर मिलता था, लेकिन पिछले साल के अपडेट के बाद, E20 के अपडेट के बाद, होंडा ने इस गाड़ी में आपको पीछे चौड़ा टायर दे दिया है। पेट्रोल टैंक की बात करें तो यहाँ पे मेटल के आपको पेट्रोल टैंक मिल जाता है। ये वाला कैप आपको सिल्वर कलर में मिलता है। 11.2 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको मिल जाता है। स्टिकर आप देख सकते हैं सिल्वर एंड ग्रे कलर में आपको स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पे आपको टैंक शाउट मिल जाता है, होंडा की ब्रांडिंग। यहाँ पे E20 की बैजिंग आपको मिल जाता है। इंजन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपको 123cc का एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। यहाँ पे आपको किक भी दिया गया है। दोस्तों, अगर आपका बैटरी डाउन हो जाए तो आप किक से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे होंडा के ब्रांडिंग। पावर फिगर की बात करें तो यहाँ पे आपको 10.87 PS का पावर मिल जाता है, और जो टॉर्क है तो 10.9 Nm का टॉर्क मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपका 160mm है, जो इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फुट रेस्ट आपको नॉर्मल पाइप वाला मिलता है, क्योंकि गाड़ी का प्राइस भी कंट्रोल करना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइप वाला लीवर आपको मिल जाता है। फुट रेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। गाड़ी का साइलेंसर आपको दिखा देता हूँ, मतलब एग्जॉस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट ब्लैक में मिलता है, और यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में मिलता है। शील्ड आपको मिल जाता है। गाड़ी में कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको गाड़ी ऑन करके एग्जॉस्ट नोट नहीं सुना सकता, उसके लिए सॉरी। पीछे आपको यहाँ पे बॉक्स टाइप स्विंग आर्म मिल जाता है। पीछे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। और इस गाड़ी में दोस्तों आपको कॉम्बी ब्रेक दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसपी 125 की ब्रांडिंग दिया गया है, यहाँ पे ESP होंडा की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकर आपको मिल जाता है। सीट आपको बहुत अच्छा से सीट मिल जाता है, आप देख सकते हैं। आप 3 लोग आराम से बैठ के चला सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा गाड़ी है जहाँ पे आपको स्पोर्ट फील भी आएगा, कंप्यूटर फील भी आएगा। और आपके घर में अगर आपके पापा भी गाड़ी चलाते हैं तो आप भी चला सकते हैं, और आपके पापा भी इस गाड़ी को चला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी गार्ड आपको मिल जाता है प्लास्टिक में, और यहाँ पर फुट रेस्ट दिया गया है लोहे का। इस गाड़ी में दोस्तों आपको मेन स्टैंड और साइड स्टैंड मिल जाता है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको 5 गियर मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डाउन 4 अप। यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग, और ये वाला पार्ट आपको प्लास्टिक में मिलता है। प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट आपको प्लास्टिक में मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 125 की ब्रांडिंग, यह सब पीछे के सीट खोल सकते हैं। ग्रैबल आपको ब्लैक कलर में मिलता है सिंगल पीस में। और पीछे जो आपको हेडलाइट, सॉरी, बैकलाइट और इंडिकेटर आपको बल्ब में मिल जाता है। यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग। यहाँ पे आपको एक नंबर प्लेट विजिबिलिटी के लिए लाइट मिलता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर, और पीछे से मैं आपको गाड़ी दिखा दूँ एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी चलिए हैंडल बार की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ब्लैक कलर में हैंडल आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको किल स्विच मिल जाता है। यहाँ पे ये वाला पासिंग का हाई बीम हो गया, ये नॉर्मल होता है, यहाँ से पासिंग। ये वाला हॉर्न इंडिकेटर का मिरर आप देख सकते हैं। होंडा के सभी गाड़ी में लगभग इसी तरह का को मिरर मिल जाता है। यहाँ पे डिजिटल मीटर मिलता है। फिलहाल गाड़ी में कनेक्शन नहीं है, जिसके वजह से मैं आपको दिखा दूँ, ऑन नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको गियर पुशिंग इंडिकेटर मिलेगा, इस तरफ आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलेगा,
और गाड़ी में आपको टाइम ट्रिप ए ट्रिप भी ये सब तो दिखाता ही है। गाड़ी में आपको आरपीएम मीटर नहीं मिलेगा, ठीक है। और कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है, यहाँ पे दोनों तरफ बटन है, यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं। गाड़ी का सीट हाइट है आपको 790 mm, और गाड़ी का जो कार्बोरेटर में आपको मिलता है 116 किलो का। और इस गाड़ी से आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 65 to 70 की MPL आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप डेली कम्यूट के लिए कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, या फिर ऑफिस जाने के लिए, या फिर घूमने के लिए, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।